रविवार के दिन मनाई जाएगी। सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जानकी नवमी के दिन ही मां जानकी का अर्थात मां सीता का प्रकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए इस पर्व को जानकी नवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का जन्म हुआ। ज्योति भी भूमि को तथा हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसीलिए बालिका का नाम जो है वो सीता रख दिया गया। वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त है वो मां सीता के निमित्त इस दिन व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जानकी नवमी के दिन जो इंसान व्रत रखता हो, भगवान श्री राम सहित मां सीता का विधि विधान से पूजन करता हो, उसे पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है, 16 महान दानों का फल प्राप्त होता है, सभी तीर्थों के दर्शन का फल अपने आप मिल जाता है। इसलिए जानकी नवमी अर्थात जो रविवार के दिन आ रही है इस बार, उस दिन व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। पंडित जी, जानकी नवमी यानी कि सीता नवमी का आपने महत्व तो बता दिया, लेकिन उसकी जो पूजा विधि है वो जानना चाहेंगे हम आपसे। जिस प्रकार हिंदू समाज में रामनवमी का महत्व बताया गया है, ठीक उसी प्रकार जानकी नवमी या सीता नवमी का भी महत्व है। तो इस पावन पर्व पर जो इंसान, जो व्यक्ति व्रत रखता है, भगवान रामचंद्र जी सहित भगवान मां सीता, भगवती मां सीता का अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति भाव पूर्वक विधि विधान से उत्साह पूर्वक पूजन करता है, वंदन करता है, उसे पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है, महाषोडश दान का फल प्राप्त होता है, अखिल तीर्थ भ्रमण का फल प्राप्त होता है, सर्वभूत दया का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सीता नवमी पर व्रत एवं पूजन हेतु अष्टमी तिथि को ही यानी शनिवार को ही आज स्वच्छ होकर शुद्ध भूमि के ऊपर सुंदर मंडप बना लीजिए। ये जो मंडप है ये 16, 8 अथवा 4 स्तंभों का होना चाहिए। मंडप के मध्य में सुंदर आसन रखकर भगवती सीता, भगवान श्री राम की स्थापना कीजिए। पूजन के लिए सोने, रजत, तांबा, पीतल, काठ, मिट्टी, इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार किसी एक वस्तु से बनी हुई प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। मूर्ति नहीं अवेलेबल है तो भगवान राम का, मां सीता का या राम दरबार का भव्य चित्र भी लगाकर उसका पूजन किया जा सकता है। नवमी के दिन स्नान आदि के पश्चात जानकी, मां जानकी का, भगवान श्री राम का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। श्री रामाय नमः, भगवान श्री राम का पूजन श्री रामाय नमः, और मां सीता का श्री सीताय नमः मूल मंत्र से प्राणायाम करना चाहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पे एक मंत्र आ रहा है, श्री जानकी रामाभ्याम नमः, श्री जानकी रामाभ्याम नमः। इस मंत्र के जाप से आसन, पाद्य, अर्ध, आचमन, पंचामत, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, सिंदूर तथा धूप दीप एवं निवेद्य आदि उपचारों द्वारा श्री राम जी की, मां जानकी जी की षोडश उपचार पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात आरती अवश्य करें। दसवीं के दिन फिर विधि पूर्वक मां भगवती, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के बाद मंडप का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने वालों पर भगवती सीता की, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति होती है, उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। सुहागिन महिलाओं को अवश्य इस व्रत को करना चाहिए। एक भगवान श्री राम थे जिन्होंने पूरे जीवन एक पत्नी व्रत का संकल्प किया, और मां सीता ने कितनी परीक्षाएं दी अपने जीवन में, कितनी परीक्षाएं दी। तो सुहागिन स्त्री हो तो मां सीता जैसी, इसलिए अपने अमर सुहाग की प्रार्थना के लिए, पूर्ण संतान सुख के लिए, पूर्ण दाम्पत्य सुख के लिए
सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करने के लिए जानकी नवमी का व्रत अवश्य करना चाहिए मां सीता के।